मूवी का स्टार्ट एक लड़के जेक से होता है। एक दिन अपने फादर के बिजी होने की वजह से जेक को जॉब के बाद अपने ग्रैंडफादर एब की टेक केयर के लिए जाना पड़ता है। जेक के ग्रैंडफादर डिमेंशिया पेशेंट हैं। यही वजह है कि उन्हें केयर टेकर की जरूरत रहती है। एब के घर पे ना होने पर जेक परेशान हो जाता है। घर की बैक साइड से डोर टूटा देख जेक वुड्स में एब को ढूंढने निकल जाता है। वहाँ उसे अपने ग्रैंडफादर इंजर्ड मिलते हैं और उनकी आईबॉल्स किसी ने निकाल ली होती हैं। एब जेक को वार्न करता है कि उसकी जान को खतरा है। वो उसे पोस्ट कार्ड और एमर्सन को ढूंढ के 3 सितंबर 1943 के लूप में जाने को कहता है। वहाँ पहुँचने पर उसे बर्ड की मदद से सब पता चल जाएगा। ये बताते ही एब की डेथ हो जाती है, जिसके बाद पीछे मुड़ने पर जेक को वहाँ बहुत बड़े मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं, जो जेक की कुलीग की फायरिंग करने पर वहाँ से चले जाते हैं। अजीब बात ये है कि वो सिर्फ जेक को ही नजर आते हैं। सीन्स एक काउंसलिंग रूम में शिफ्ट होते हैं। जेक वहाँ साइकियाट्रिस्ट को उस रात के बारे में बता रहा होता है। डॉक्टर गोलन इस सब को एंग्जाइटी और ट्रॉमा बता के जेक को मूव ऑन करने का कहती हैं। डॉक्टर गोलन के पहुँचने पर जेक बताता है कि वो एब से बहुत क्लोज था। बचपन में वो उसे मॉन्स्टर्स की स्टोरी सुनाया करते थे। एब उसका बहुत ख्याल रखता था और इस वजह से जेक स्पेशल फील करता था। डॉक्टर को ये सब बताते हुए जेक पास्ट में चला जाता है, जहाँ एब जेक को अपने बचपन की स्टोरी सुना रहा होता है। एब बताता है कि उसके चाइल्डहुड में उसके पेरेंट्स ने उसे एक चिल्ड्रन होम में भेज दिया था, क्योंकि पोलैंड उसके लिए सेफ नहीं था। उस चिल्ड्रन होम में सब स्पेशल बच्चे होते थे। ये सब बताते हुए एब उसे उन बच्चों की पिक्चर्स भी दिखाता है। उस होम की केयर टेकर का नाम मिस पेरेग्रीन है। एब उसे कुछ बच्चों की पिक्चर्स दिखाते हुए उनकी एबिलिटीज बताता है। ब्रॉनविन और विक्टर, जो कि 10 मेन के इक्वल पावर रखते हैं, ह्यू के अंदर बीज रहती हैं, एमा जो कि एयर की तरह लाइट है, उसे जमीन पे रहने के लिए हैवी शूज पहनने पड़ते हैं वरना वो उड़ जाएगी। जेक वो पिक्चर्स जब अपने स्कूल प्रोजेक्ट में दिखाता है तो सब उस पे हंसते हैं और कोई जेक का यकीन नहीं करता। जेक घर आकर एब पे गुस्सा होता है कि एब ने उससे झूठ बोला। इस पर एब इस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज कर देता है। जेक जब घर पहुँचता है तो उसकी आंट उसे एब का एक गिफ्ट देती है। उस पैकेट को खोलने पर जेक को एक बुक मिलती है और उसमें उसे वो पोस्ट कार्ड मिलता है जिसका जिक्र एब ने मरने से पहले किया था। वो पोस्ट कार्ड कैन होम का होता है। जेक ये पोस्ट कार्ड अपने काउंसलर को दिखाता है और वो जेक के पेरेंट्स को सजेस्ट करती है कि उसे वहाँ ले जाया जाए, ताकि वो अपनी आंखों से देख सके कि जो वो सोच रहा है वो सिर्फ ख्याली बातें हैं। जेक कैन होम पहुँच कर उस चिल्ड्रन होम तक पहुँच जाता है। वो बहुत होपफुल होता है कि अब सब राज खुल जाएंगे, उसको जो वियर्ड ड्रीम्स आते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। मगर वहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि वो चिल्ड्रंस होम डिस्ट्रॉय हो चुका है। वहाँ कुछ बाकी नहीं है, बस एक हॉन्टेड सी बिल्डिंग बाकी है। होटल वापस आने पर जेक मायूसी के आलम में एक चेयर पे जाकर बैठता है। उसके पास बैठा हुआ आदमी उसे बताता है कि 1943 की लुफ्टवाफे रेड में इस बिल्डिंग पर मिसाइल आकर गिरी थी। सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ भी बाकी नहीं बचा था। जेक बस किसी भी तरह इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता है, इसलिए नेक्स्ट डे वो अपने फादर से झूठ बोलकर वापस उस चिल्ड्रन होम में जाता है। जेक अंदर जाकर उस डिस्ट्रक्चर्ड प्लेस को देख ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ नजर आता है। जेक वो देख बहुत डर जाता है और पीछे होने पर स्लिप होकर गिर जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि ब्रॉनविन होती है, जो जेक को बेहोशी की हालत में उठाकर बाकी सबके पास लाती है। होश में आने पर जेक इन सब को देख के हैरान तो होता है पर बहुत खुश भी होता है। एमा बताती है कि वो एक लूप की मदद से जेक को मिस पेरेग्रीन के पास ले जाने आए हैं। मिस पेरेग्रीन ने उसे यहाँ आते देख लिया था। जेक उन सब के साथ एक टनल में जाता है। जेक टनल की दूसरी साइड पहुंचकर डर जाता है और अचानक भागना शुरू हो जाता है। जेक को ये नहीं पता होता कि वो सब उसे लूप की मदद से वापस 1943 में ले गए हैं। सब कुछ एक जैसा लगने की वजह से जेक अपने होटल में जाता है, मगर वहाँ 1943 के लोग होते हैं और उसे स्पाई समझ के मारने ही लगते हैं। तभी मिलर्ड आकर उसे बचा लेता है। एमा, ऑलिव और मिलर्ड जेक को मिस पेरेग्रीन के पास ले जा रहे होते हैं। तभी जेक के पहुंचने पर एमा बताती है कि ये वही दिन है, रोज हम इसी दिन की लाइफ गुजारते हैं, यही हमारा लूप है। चिल्ड्रन होम पहुंचने पर मिस पेरेग्रीन जेक को टी पिलाने किचन में ले जाती हैं। वहाँ ऑलिव अपने हाथों से पानी बॉयल कर रही होती है क्योंकि उसकी पावर फायर होती है। दूसरी तरफ हमें इनॉक
देखने को मिलता है, जो शायद जेक के यहाँ होने पर ज्यादा खुश नहीं होता। जेक मिस प्रेग्रिन को बताता है कि मरने से पहले एम ने उसे इधर आने का बोला था। उसने कहा था कि मिस प्रेग्रिन तुम्हें सब एक्सप्लेन कर देंगी। मिस प्रेग्रिन जेक को बताती है कि जो स्पेशल चिल्ड्रन यहाँ रहते हैं उन्हें पेक्यूलियर कहा जाता है। पेक्यूलियर में सब हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उन्हें जीन से मिले होते हैं, मगर एक पेक्यूलियर चाइल्ड हर जनरेशन में होना जरूरी नहीं है। पेक्यूलियर्स को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, यही वजह है कि वो सब इन प्लेसेस में रहते हैं और वो दिन पिक करके बस रोज उसी में रहते हैं, किसी भी चेंज के बगैर एक ही रूटीन रोज फॉलो करते हैं, क्योंकि इसके लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मिस पेरेग्रिन बताती है कि उनकी पेक्यूलियर टाइप एम्ब्रिन है, यानी वो एक बर्ड में चेंज हो सकती है, साथ ही वो टाइम की मैनिपुलेशन कर सकती है। सब एम्ब्रिन एक सेफ प्लेस और टाइम चूज करते हैं, इस तरह एक लूप क्रिएट करके बच्चों को सेव रखती हैं। ये लूप सिर्फ 24 आवर्स के लिए रहता है, नेक्स्ट डे उसे फिर से क्रिएट करना होता है, वरना सब डिस्ट्रॉय हो सकता है। रोज रीसेट करने पर आप उसमें हमेशा के लिए रह सकते हैं और आउटसाइड वर्ल्ड से भी सेफ रहते हैं। जेक एमा के पास जाता है। जेक एमा की स्क्विरल को वापस ट्री पे रखने में मदद करता है, जो कि वो रोज करती है। वहीं उसे पता चलता है कि एमा एब को पसंद करती थी। एमा जेक को डिनर के लिए रोक लेती है। नेक्स्ट सीन में जेक इनॉक्स से मिलता है, जो स्टेचूज की बॉडीज में हार्ट डालकर उन्हें जिंदा कर सकता है, जो उसके लिए रोबोट्स की तरह काम करते हैं। डिनर टेबल पे हॉरेस के पूछने पर जेक बताता है कि उसकी कोई पेक्यूलियरिटी नहीं है, वो एक ह्यूमन है। तभी इनॉक कहता है कि यही वजह है कि जेक भी अपने ग्रैंडफादर की तरह यहाँ से चला जाएगा। मिस पेरेग्रिन इनॉक को रोकती है और कहती है कि हम सब जानते हैं एब आर्मी ज्वाइन करने के लिए यहाँ से गया था। फोन रिंग होने पर मिस पेरेग्रिन सबको मूवी देखने जाने का कहकर उसे सुनने चली जाती है। फोन पर 1943 से एब होता है। सीन्स लाउंज में शिफ्ट होते हैं, जहाँ सब मूवी के लिए जमा होते हैं। मूवी किसी लैपटॉप या सीडी से नहीं चलती, बल्कि हॉरेस की आंखों की मदद से चलती है। हॉरेस के स्किल्स भी यही होते हैं कि वो अपने ड्रीम्स प्रोजेक्ट कर सकता है। हॉरेस अपने ड्रीम्स में फ्यूचर भी देख सकता है। मूवी के बाद मिस पेरेग्रिन सबको ग्राउंड में ले जाती है, जहाँ वो डे रीसेट करती है। टाइम रीसेट करना एक बहुत ही मेस्मराइजिंग सीन होता है। मिस पेरेग्रिन म्यूजिक ऑन करती है और सबको मास्क पहनने का कहती है। जब एक प्लेन आकर वहाँ बॉम्ब फेंकता है, वो टाइम को वहीं स्टॉप कर देती है और बॉम्ब घर पर नहीं गिरता, बल्कि वहीं आसमान में रुक जाता है। तभी मिस पेरेग्रिन अपनी क्लॉक की मदद से टाइम रिवाइंड कर देती है और वो सब वापस से अपना न्यू डे शुरू कर देते हैं। जेक लूप से वापस रियल वर्ल्ड में जाने से पहले मिस पेरेग्रिन का एक लेटर अपने पास रख लेता है। एमा जेक को टनल की मदद से रियल वर्ल्ड में ले जा रही होती है कि तभी वहाँ एक बर्ड आके गिरता है। एमा बताती है कि ये एक एम्ब्रिन है, जिसे हमने हॉरेस के ड्रीम में देखा था। रियल वर्ल्ड में पहुँचने पर जेक को वो लेटर याद आता है। उसे खोलने पर वो देखता है कि वो जनवरी 2016 में एब ने मिस पेरेग्रिन को भेजा था। एब उस लेटर में मिस पेरेग्रिन को किसी और लूप की एम्ब्रिन को बैरन के खिलाफ वार्न करने का कह रहा था। नेक्स्ट डे जेक के फादर उसे अपने साथ बीच पे ले जाते हैं। वहाँ वो जॉन लामोंट से मिलते हैं, वो भी बर्ड्स पे बुक लिख रहा होता है। ये जानकर जेक के फादर डिसअपॉइंट हो जाते हैं और जेक को लेकर वापस होटल आ जाते हैं। जेक अपने फादर के सोने पर मौका देख के वहाँ से निकलकर वापस लूप में जाता है। मिस पेरेग्रिन को वो लेटर देखने पर जेक उनसे बैरन का पूछता है। मिस पेरेग्रिन जवाब दिए बगैर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। जेक इनॉक को प्रोवोक करते हुए सच पूछता है। इनॉक जेक को विक्टर के रूम में ले जाता है। जेक विक्टर से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसे देख के शॉक में आ जाता है। विक्टर एक डेड बॉडी की तरह बेड पे पड़ा होता है। इनॉक विक्टर के अंदर हार्ट डालता है। तभी अचानक विक्टर होश में आ जाता है, मगर उसकी आईज ब्लैक होती है। वो एक पपेट की तरह एक्ट कर रहा होता है। जेक ये सब देख के डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। सब वॉक पे जाते हैं। तभी जेक एमा से विक्टर के मर्डरर का पूछता है। एमा जेक को अपने साथ अपनी सीक्रेट प्लेस में लेके जाती है। वो दोनों अंडर वाटर जाते हैं, जहाँ जेक को एक डिस्ट्रॉयड शिप देखने को मिलती है। एमा उसे एक जगह ले जाके डोर बंद कर देती है, फिर अपने मुंह से एयर निकालकर वाटर में प्रेशर डालती है, जिससे वहाँ से सारा पानी खत्म हो जाता है। एमा जेक को एक एनवेलप देती है, जो एब का होता है। उसमें एक मैप होता है जो बताता है कि सब लूप्स कहाँ हैं, साथ ही कुछ पिक्चर्स होती हैं। जेक उन
उनमें एक को पहचान लेता है। एमा बताती है ये बैरन है, ये बैड पेक्यूलियर्स का लीडर है। एब ने इन्हीं को हंट करने के लिए हमें छोड़ा था, मगर वो इन सबको नहीं ढूंढ सका। ये पेक्यूलियर्स लूप ढूंढ के वहाँ बच्चों को मार देते हैं। एमा जेक को बताती है कि तुम एक पेक्यूलियर हो। जेक बहुत हैरान होता है क्योंकि वो खुद को एक ऑर्डिनरी लड़का समझता है। तभी एमा बताती है कि सिर्फ एक पेक्यूलियर ही टाइम लूप में एंटर कर सकता है। एमा उसे कुछ और दिखाने ले जाती है। वहाँ जेक देखता है कि मिस पेरेग्रिन एक मॉन्स्टर को मारती है। एमा उसे बताती है कि सिर्फ वो ही उस मॉन्स्टर को देख सकता है और कोई नहीं। यही उसकी और एब की एबिलिटी है कि वो उन मॉन्स्टर्स को देख सकते हैं जिन्हें और कोई नहीं देख सकता। मिस पेरेग्रिन भी बस अपने टाइम मैनिपुलेशन के स्किल की वजह से उसे मार पाती है। उन्होंने भी कभी उसे नहीं देखा। मिस पेरेग्रिन जेक को बताती है कि इन्हें होलोगेस्ट कहा जाता है। बहुत साल पहले जब कुछ पेक्यूलियर्स टाइम लूप में रह रहकर तंग आ गए थे, तब बैरन और उसकी साइंटिस्ट टीम को लगा कि अगर वो एम्ब्रिन के पावर्स को इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें इमोर्टैलिटी मिल जाएगी और फिर वो लूप के बाहर भी रह सकेंगे। बैरन ने एक एम्ब्रिन को किडनैप किया और एक्सपेरिमेंट किया, मगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा और वो सब मॉन्स्टर्स में बदल गए। कुछ साल बाद उन्हें एक वे मिला जिससे वो वापस ह्यूमन बन सकते थे। ऐसा करने से वो इमोर्टल तो नहीं हुए, मगर हॉलोज बन गए। मिस पेरेग्रिन मजीद बताती है कि बैरन को पता चला कि अगर वो पेक्यूलियर स्पेशली चिल्ड्रन की आइस खाएगा तो वो वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाएगा। इसीलिए उसने लूप्स ढूंढकर चिल्ड्रन को हंट करना शुरू कर दिया और फाइनली अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गया, मगर उनकी आइस मिल्की व्हाइट ही रही। अब वो व्हाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। तभी ओलिव आकर बताती है कि मिस एवोसिट को होश आ गया है। ये वही इंजर्ड एम्ब्रिन है जिसे एमा ने टनल से उठाया था। वो सबको बताती है कि बैरन ने सब बच्चों को मार दिया, बस वो बची है। बैरन दोबारा से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहता है। उसने सेलर्स ब्लैक लूप टावर में लगाए हैं। इस बार वो ज्यादा एम्ब्रिन यूज कर रहा है। अचानक जेक को आइलैंड के वो शीप याद आ जाते हैं जो मरे पड़े थे। मिस पेरेग्रिन ये सुन के बहुत परेशान हो जाती है कि बैरन यहाँ आ चुका है। वो सब बच्चों को सामान पैक करने को कहती है ताकि वो लूप चेंज कर सके। एमा जेक को उनके साथ रहने को कहती है क्योंकि बस वही है जो होलोगेस्ट को देख सकता है, मगर जेक अग्री नहीं करता और वापस आइलैंड पे चला जाता है। आइलैंड पे पहुंचने पर जेक को पता चलता है कि वहाँ एक आदमी की डेथ हुई है। डेथ बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसे एब की हुई थी। जेक ये जान के परेशान हो जाता है और वापस लूप की तरफ जाता है। जेक के फादर उसे फॉलो नहीं कर पाते, उसकी जगह जॉन जेक को फॉलो करता है। टनल के अंदर जाने पे जेक देखता है कि जॉन भी अंदर आ चुका है, जिसका मतलब वो एक पेक्यूलियर है। हैरत की बात ये होती है कि वो और कोई नहीं बैरन है जो अपना रूप बदल के जॉन बना होता है। बैरन जेक को रास्ता बनाकर चिल्ड्रन होम पहुंचता है। वहाँ कोई रास्ता ना नजर आने पर मिस पेरेग्रिन बच्चों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करते हुए बर्ड बनकर बैरन के केज में चली जाती है। जाते हुए वो जेक से प्रॉमिस लेती है कि वो सब बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा। बैरन के मिस पेरेग्रिन को ले जाने के बाद जेक और मिस एवोसेट बच्चों को सब डोर लॉक करके वेपन्स लेने को कहते हैं। मिस एवोसेट बच्चों को सब समझा ही रही होती हैं कि एक हॉलो आकर मिस एवोसेट को मार देता है। जेक बहुत मुश्किल से उस हॉलो को जख्मी करते हुए सब बच्चों को लेकर एटिक में जाता है। जेक फियोना से कहता है कि ट्री की ब्रांच को लंबा कर दे। उसके ऐसा करने पर जेक सबको उस ब्रांच की मदद से घर से बाहर निकालता है। तभी बॉम्ब आकर घर पे गिर जाता है। घर के साथ साथ वो हॉलो भी तबाह हो जाता है। जेक बैरन और मिस पेरेग्रिन के पीछे ब्लैकपूल जाने का डिसाइड करता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो जल्दी वहाँ कैसे पहुँचे। तभी जेक को एमा की अंडर वाटर शिप याद आती है और वो सब उसकी मदद से ब्लैक लूप के लिए निकलते हैं। जेक सबको अपना प्लान बताता है और वो सब ब्लैक लूप पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर जेक एमा और मिलर्ड को अपने साथ लेके टावर जाता है। जेक एमा की मदद से बैरन को वार्न करता है। बैरन इस सब से प्रोवोक हो जाता है। वो अपने दो आदमियों और हॉलोस को उन बच्चों के पीछे भेजता है। सब बच्चे स्नो और टॉफीज हॉलोस पे फेंकते हैं जिसकी मदद से वो विजिबल हो जाते हैं। दूसरी तरफ इनॉक्स स्केलेटन्स में हाथ डाल के उन्हें हॉलोस को मारने का ऑर्डर देता है। इस तरह सब हॉलोस रास्ते से हट जाते हैं। अब जेक और वो सब बैरन से मिस पेरेग्रिन को बचाने के लिए टावर में चले जाते हैं। सब अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बैरन
बैरन को एम्ब्रिंस वाले रूम में जाने से रोकते हैं, मगर बैरन उस तरफ चला जाता है। सब बच्चे बैरन की टीम से फाइट कर रहे होते हैं, जबकि जेक और एमा बैरन के पीछे जाते हैं। वहाँ एमा अपनी पावर्स की मदद से बैरन को रोकती है और जेक रूम में जाकर सब एम्ब्रिंस को रेस्क्यू कर लेता है। बैरन के रूम में आने पर जेक उसे कहता है कि सब खत्म हो गया है, तुम हार चुके हो। तभी उन्हें एमा और इनॉक की आवाज आती है, जो जेक की मदद के लिए वहाँ आते हैं। बैरन तभी अपनी स्किल्स की मदद से जेक की शक्ल ले लेता है, ताकि वो उन लोगों को कंफ्यूज कर सके। जेक और बैरन उन्हें यकीन दिलाने में लगे ही होते हैं कि वो असली जेक है। तभी वहाँ एक हॉलो आ जाता है। जेक उन्हें कहता है कि उन्हें अभी पता चल जाएगा कि असली जेक कौन है, क्योंकि जो मेरी स्किल्स हैं वो और किसी की नहीं है। तभी एक हॉलो पीछे से आकर बैरन को पकड़ लेता है। हॉलो बैरन की आंखें निकालता है और उसे जान से भी मार देता है। नेक्स्ट सीन में जेक सबको लूप के अंदर भेज के खुद एब के पास चला जाता है, क्योंकि वो जिस ईयर के लूप में होते हैं उसमें एब जिंदा था। वहाँ एब उसे एक बुक देता है। उस बुक को खोलने पर जेक को बहुत से पैसे मिलते हैं। एब उसे कहता है कि जो गलती मैंने की है वो जेक रिपीट ना करे, वो एमा को ढूंढ ले। जेक कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, सब लूप्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। एब बताता है कि जेक के पास जो लूप्स का मैप है वो उससे 1943 में वापस जाके एमा से मिल सकता है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि जेक डिफरेंट लूप से होता हुआ फाइनली एमा को ढूंढ के उसके पास पहुंच जाता है। वो लोग शिप पे ही होते हैं। एमा जेक को देख के बहुत खुश होती है। तभी वहाँ शिप के ऊपर मिस पेरेग्रिन बर्ड की हालत में आ जाती हैं और यहीं एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।